क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। आप कैसे हैंडल करते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं, मार्क्स उस चीज के। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। एंड नाउ आई कॉल अपॉन द स्टेज मिस्टर सैफिन हसन। He is the youngest IPS officer of our nation who got selected in the year 2017. Coming from a common background with a lot of hard work, he has cleared his exam in the first attempt at the age of 22. Tumhi sagle kase aat? Itna hi aata hai. Cultural capital of Maharashtra aur Oxford of the East jisko kaha jata hai. Aise Pune ke sabhi logo ko Gujarat ka vandan. लास्ट प्लेयर, लंबी पारी खेलनी थी लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है, जितना एसेंशियल है, जितना बहुत इम्पोर्टेंट है उतनी चीज़ें मुझे बतानी है। सी, यूपीएससी हो या मैंने जीपीएससी क्लियर किया क्लास वन, गुजरात में रैंक 34 था, यूपीएससी क्लियर किया रैंक 570, आईपीएस, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अ अर्ली एज, एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार है, यू आर वेरी लकी। आई टेल देम इन रिवर्स, लक फेवर्स द ब्रेव। कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। So, अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले एक महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे एक वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल, तो सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था, 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा ओके माय राइट हैंड इज सेफ एंड आई डिसाइडेड आई विल गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है
उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है. सोना जो होता है वो जितना ज़्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है. अगर आप ज़िंदगी में तप रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है. और यही मेरा एटीट्यूड रहा है. लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा. लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग. क्योंकि वो चीज़ें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता. तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे. मेरा मेरे पास ऑप्शन है, बोलता क्या, बोला देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले, क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है. अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ.